सो हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक नए दिन मनाली के सफ़र में आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। एंड अभी सुबह के हो रहे हैं 9 एंड द मच अवेटेड डेस्टिनेशन जिसके लिए मैं खासकर इस बार मनाली का प्लान किया, उसी के लिए हम निकल चुके हैं। बाइक हमने ले ली है हिमालयन रेंट पे एंड हमें पड़ी है 1500 पर डे। हमने का तीन चार जगह से पता की सबने सेम रेट ही बताए थे हमें, एंड तो हमने चलो हायर कर लिया। और बाइक पे जाने का अलग ही एक अपना मज़ा है। एंड सबसे पहले सुबह सुबह जैसे हम अपने ब्रेकफास्ट करते हैं कहीं भी जाने से पहले, या सबसे पहला काम वही, इसी तरह इसको भी हमें नाश्ता करवाना है, यानी पेट्रोल डलवाना है इसमें, क्योंकि बाइक रेंट लेने के बाद पेट्रोल का भी हमें अपना खुद ही खर्चा उठाना पड़ता है। एंड यहाँ से पहली डेस्टिनेशन है हमारी अटल टनल। मे बी आप में से कोई यहाँ पे आ चुका है तो अटल टनल विज़िट कर चुका होगा, बट ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। एंड अटल टनल का डिस्टेंस यहाँ से है 24 किलोमीटर्स फ्रॉम ओल्ड मनाली। सो सबसे पहले जैसे मैं कह रहा था इसमें पेट्रोल डलवाते हैं, साथ साथ मे बी हम भी कुछ खा के नहीं निकले, हम भी अपने अंदर पेट्रोल डलवाए, मीन्स ब्रेकफास्ट करें, और उसके बाद आपको फिर से जर्नी पर ज्वाइन करते हैं। टिल देन वीडियो का एंड तक देखिएगा एंड लाइक सब्सक्राइब भी करना अगर आप नए हैं तो, नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और अगर रेगुलर व्यूअर्स है या न्यू व्यूअर्स है उनके लिए तो लाइक करना बनता है यार। अच्छा, रास्ते में ये सब शॉप्स आपको दिख जाएंगी। यहाँ बेसिकली स्नो के लिए थोड़े जैसे कपड़े दे रहे हैं कि जैकेट्स एंड लोअर्स की, अगर आप स्नो में खेले तो आपके जो डाले हुए कपड़े गंदे ना हो जाए, बट हमें लग तो नहीं रहा अभी इस टाइम कोई स्नो वहाँ मिलेगी भी, तो हमने तो नहीं लिए। बाकी अगर आप लेने हो तो 250-300 रुपये रेंट पे देते हैं, इंक्लूडिंग स्नो बूट्स जो गम शूज़ होते हैं। एंड सामने देखो भाई साहब, भर भर के गाड़ियाँ जा रही है आज तो, क्योंकि रोहतांग पास भी खुल चुका है, मेजॉरिटी गाड़ियाँ वहाँ भी जा रही हो सकती है, और अटल टनल भी सबका मोस्ट फेवरेट स्पॉट तो है ही। तो बाइक का बस ये फायदा है, हम साइड में ऐसे नेविगेट करके निकल जाते हैं, बट यहाँ निकल नहीं पाए क्योंकि आगे गाड़ी आ गई, सारे ट्रैवलर्स वगैरह ऐसे मिलेंगे कपड़े। सोलंग वैली 7 किलोमीटर, रोहतांग अटल टनल 19, ले 423, ले चले, ले लद्दाख चले, 423 किलोमीटर ओनली। ओ हो, सामने देखो भाई साहब, अब आया है पहला ऊंचा चढ़ाई, वो देखो ऊपर। ओ माय गॉड, वो देख भाई साहब, लास्ट टाइम जब मैं आया था ना यहाँ, हमने दी थी स्कूटी, मेरे को उस टाइम बड़ा डर लग रहा था, बल्कि मैं पीछे ही बैठा हुआ था, बट उन जालिमों ने मुझे स्कूटी चलाने नहीं दी, मैं मांग मांग थक गया था। और बेसिकली ये मेरा रिवेंज ट्रिप भी है कि मेरे को खुद आगे चला दी थी, अब यही बात शुभम पीछे करेगा कि मेरे को बाइक नहीं दे रहा, मेरे को बाइक नहीं दे रहा। देंगे यार, बिल्कुल देंगे। तो जी 10 किलोमीटर आगे हम आ चुके हैं, नजारे भरपूर का आनंद। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। मतलब भरपूर नजारों का आनंद, एक से एक बढ़िया। एंड यहाँ से 3 किलोमीटर पे सोलंग वैली है। बेसिकली सोलंग वैली इज फेमस फॉर सम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। सर्दियों में जैसे पूरा बर्फ से कवर्ड रहता है तो स्नो एक्टिविटीज भी काफी मिल जाती है। इस टाइम जो फेमस मिलेंगी पैराग्लाइडिंग एंड बाकी भी थोड़ी एक बार पता करते हुए चलेंगे, जाते हुए ही अभी या वापसी में आते हुए। बाकी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इस रोड पे, इतनी मस्त रोड, मज़ेदार, मज़ा आ गया यार। बस हार्डली अब 1 से 2 किलोमीटर और रह गया अटल टनल। वैसे नीचे तो गर्मी काफ़ी लग रही थी, मैंने इतनी मोटी जैकेट पहन तो लिया है। जैसे ही हम हाइट पे आते जा रहे हैं तो
हवा तो ठंडी है तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि इतनी मोटी जैकेट क्यों पहन के रखी है। ओ भाई साहब, यहाँ अपनी बाइक या स्कूटी जब भी मनाली और यहाँ जाना है पर्सनल कन्वेंस से नहीं आया तो ज़रूर ये रेंट पे लो। जो मज़ा आएगा ना इस रोड पे बाइक चलाने का या स्कूटी, वो तो भाई साहब गजब ही है। वेलकम टू अटल टनल। यहाँ पे अभी भी काफ़ी और कंस्ट्रक्शन देखो हो रही है, क्या पता और कितनी टनल्स बन रही हो। तो जी सामने अटल टनल का गेट एंड हम फाइनली आ ही गए यहाँ पे। बहुत बढ़िया रास्ता था एंड यहाँ खींच के अब वीडियो के लिए थंबनेल तो लेना ही पड़ेगा, विच इज़ सम मैंडेटरी। साइड में लगाते हैं जगह देख के, फिर एक फ़ोटो लेंगे। सो जी फोटो सेशन टनल के बाहर हो चुका, टाइम टू एंटर द टनल। कोई एंट्री पास वगैरह नहीं चाहिए यहाँ के लिए, पता नहीं एक बंदे को किसने बोल दिया पास लेके आया हूँ। 1, 2 and 3। सो यहाँ आप देख सकते हैं स्पीड लिमिट 40 है, तो हमें पूरी टनल में स्पीड लिमिट को मेंटेन करना है 40 और कहीं रुक नहीं सकते। एंड ये 10,000 फीट लेवल से अबव सबसे लॉन्गेस्ट टनल है इन द वर्ल्ड। डिस्टेंस मतलब लेंथ है अटल टनल की 9.2 किलोमीटर। स्पीड लिमिट अब हो चुकी है 60, 40 मतलब हार्डली 1 किलोमीटर तक रही होगी, बट अभी हम 40 पे ही चल पा रहे हैं क्योंकि आगे 2 गाड़ियाँ हैं, ओवरटेक हम कर नहीं सकते, अलाउड नहीं है, इसलिए 40 की स्पीड मेंटेन करते हुए आराम से एंजॉय करते हुए चल रहे हो। टेम्परेचर यहाँ कम से कम बाहर से तो 5 से 6 डिग्री कम हो गया होगा क्योंकि ठंड तो लग रही है, फील हो रही है असली में। एंड कमाल है यार, मतलब ये चीज़ सुनी सुनी हुई थी, जब आप खुद यहाँ पे चला रहे हैं तो अलग ही एक एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी है। एंड पहले क्योंकि रोहतांग पास को आपको पता है कि बर्फ़ पड़ती है, तो बिल्कुल ही कनेक्टिविटी लद्दाख रीजन से जो आगे जाता है लाहौल वैली की तरफ वो सारा डिसकनेक्ट सा हो जाता था, इसलिए टनल को बनाया गया था कि ये ऑल सीज़न ओपन है। एंड बहुत मतलब जो घंटों का डिस्टेंस है मिनट्स में कवर हो जाता है। नो ओवरटेकिंग लिखा हुआ है, नो ओवरटेकिंग लिखा हुआ है, नो स्टॉपिंग लिखा हुआ है, और यहाँ हर जगह कैमरास इंस्टॉल्ड है। और फाइनली 9 किलोमीटर लंबी टनल का एंड होते हुए थोड़ी सी गर्मी आएगी अब बाहर निकल के, पर मज़ा आ गया। मतलब पहली राइड माउंटेन्स में और द बेस्ट राइड। अरे भाई 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 रुक के देखो यार, अरे बाप रे, अरे रे रे रे, सामने देखो रिवर। ओ हो, अरे ये क्या देख लिया। वेलकम यू टू चंद्रा ब्रिज रोहतांगला राइट 27 किलोमीटर, काजा 144, ले के लिए आप यहाँ से लेफ्ट जा सकते हैं 396, कारगिल 450, श्रीनगर 560। अभी सामने कहीं पे रोकेंगे बाइक। तो जी सुबह के बाद अब हमारी शक्ल देखने को मिल रही होगी आपको। यस। एंड बहुत मतलब अटल टनल से निकल के क्या व्यू है जो मैंने अभी दिखाया भी होगा, बट अब मेरे ख्याल बाइक पे जब मैंने लगाया होता तब सही से ना दिखाओ, बट अभी मैं दिखा तो क्या कितना बढ़िया नज़ारा है, हम तो भाई देख के अमेज हो गए। वो रही सामने अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल, नॉर्थ पोर्टल लिखा है, वहाँ से हम यूँ ब्रिज से होते हुए ये आए हैं। ये तो वापसी का बोर्ड लगे हुए हैं सारे,
इस तरफ सीसू का रास्ता है जहाँ अभी हम जाएंगे, एंड यहाँ से टनल से आके लेफ्ट लोगे तो ले श्रीनगर कारगिल वाला रास्ता ये रोड जा रही है, और दूर से देखने में तो बहुत ही प्यारी लग रही है। सामने देखो यार, मतलब अभी भी वहाँ तो कोई नहीं जा सकता, बट वो सारा मेरे ख्याल रिवर वाटर जो ग्लेशियर बन जाता है नीचे आते आते वही जमा पड़ा है। और इमेजिन करो इस टनल के ऊपर ये पहाड़ देखो, और इस पहाड़ के बीचों बीच से हम होते हुए आए हैं। 9 किलोमीटर लंबी टनल, 10 किलोमीटर 9.2 थी, बट हो सकता है 10, बट 9.2 थी ऐसे, अंदर हमने तो कोई मेजर किया नहीं। बट अभी यहाँ से अब आगे चलने का प्लान हो रहा है, 12:45 तो हो चुके हैं, अभी कम से कम 20 किलोमीटर और आगे चलना है। 20 किलोमीटर, हाँ, सीसू जाना है, तो सीसू और उसके बाद टाइम बचा तो कोकसर जाएंगे। एंड यहाँ अभी थोड़ी बहुत रील्स बनाते हैं, और वो जो आपको देखना हो रील्स और फोटोज हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप हमें फॉलो करके देख सकते हो, जो अभी स्क्रीन पे आ गया होगा। एंड जब तक आप व्यूज एंजॉय करो, हम भी रील्स बनाते हैं और फिर आगे चलते हैं सीसू की तरफ।